अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था। जब धरना में गए, और मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे एनएचएम में सबसे ज़्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने की तैयार है तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे हैं दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण महोत्सव है ना, और जैसे मॉडल जैत खम बनाने के बाद, चाहे वो आदिवासियों के हमारे, चाहे देवगुड़ी है, ठाकुर देव, पेनगुड़ी, मातागुड़ी, ये सब जो बन रहे हैं, वो सब काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे। क्योंकि उनको काम करना आता नहीं है, जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लिए सोचते हैं और अपने लिए, अपनी जीत के लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप धार्मिक भावना की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें, तो आधा ज़्यादा वोट मिल जाएगा, लेकिन कभी किसान के, मजदूर के, गरीब के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, महिलाओं, युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम है, ये लोग न बता रहे हैं न ये करने वाले हैं। गैस सब्सिडी सबका होगा भाई, महिला उज्ज्वला के भी होगा, और सामान्य रूप से जो कनेक्शन लिए हैं भारतीय जनता पार्टी केवल उज्ज्वला वाला है, और 500 तक देंगे, जबकि उज्ज्वला की कीमत है 947 रुपया, और हम कह रहे हैं कि 500 रुपया आपके खाते में डालेंगे, मतलब वो 447 रुपया पड़ा। अरे भाई, गैस सिलेंडर सामान्यतः महिलाओं के नाम से ही होता है, तो मेरे हर, तो भाई आपको भी मिलेगा ना, चिंता मत करिए। हाँ, अरे ज्यादा होगा तो उसे नाम चेंज कर लेंगे, क्या पड़ता है, भाभी जी के नाम से हो जाएगा। अरे रुका भाई, एक साथ करेंगे कैसे होगा, एक हाँ बोलो। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।